आस्था की बात क्या हाल चाल है, कैसे आप सब लोग? मेरे बिल्कुल ठीक ठाक हो। और आज का लंच आपके साथ शेयर करने लगे हैं, उसमें आज याद ही नहीं आता, मैंने सोचा चले आज का भी शेयर करते हैं। तो गैस है ही नहीं है और हम सिलेंडर पर बना रहे हैं मुश्किल से, क्योंकि मैं बना रही हूँ कीमे वाली राइस, ठीक है। तो मैंने इसमें क्या किया, इसी तरीके से वो ही डाला है मैंने कि यानी कि प्याज को हल्का सा ब्राउन किया उसके साथ ही डाल दिया, ठीक है। कीमा, प्याज, नमक, मिर्च, हल्दी, पिसा हुआ धनिया है, ठीक है, सफ़ेद जीरा है, अदरक लहसुन है, ये सब मैंने साथ ही डाल दिया, ठीक है जी। अब हम इसको भून के और थोड़ा सा पानी डाल देंगे, बस थोड़ा सा अच्छा सही हो जाएगा मसाला। पानी डालेंगे और राइस डालेंगे और बहुत इमीडिएटली ये राइस बनते हैं, ठीक है जी, और बहुत टेस्टी बनते हैं। तो सर को रखते हैं, इसको अच्छा सा हम भूनते हैं। इसमें थोड़ा सा कलर जो है वो चेंज हो गया है, ठीक है जी। इसमें भी हमें योगर्ट डालना है, टमाटर नहीं डालेंगे हम, ठीक है जी, क्योंकि जल्दी जल्दी बना रहेंगे, आज ज़रा लेट भी हो गए, ठीक है। तो आपको दिखा दिए हमने, प्याज हमने डाल दिया, कीमा डाला है हमने, और इसमें नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, और हमने पिसा हुआ जीरा डाला है, और इसमें हमने अदरक लहसुन डाला है, ठीक है। तो ये है कीमा, है तकरीबन 3 पाव से ज़्यादा, 1 किलो के करीब है, ठीक है। और इसके साथ हमने प्याज डाले, 3 अदद बड़े साइज के प्याज डाल दिए हमने, ठीक है। 1 चम्मच भर के हमने डाल दिया जी नमक इसमें खाने वाला, क्योंकि हमने इसमें राइस डालने, इससे ज़्यादा नमक डलेगा। और रेड चिली पाउडर अपने टेस्ट के मुताबिक, वैसे मैंने 1 टीस्पून डाल दिया फुल, ठीक है जी। हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून थोड़ा कम है, और धनिया पाउडर है 1 टीस्पून, सफ़ेद जीरा मैंने 1/2 टीस्पून डाला है, और अदरक लहसुन 1/2 टीस्पून है, ठीक है जी। और उसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि ये ज़रा सा ना सॉफ्ट हो जाए, ठीक है। बस अब जब ये सॉफ्ट हो जाएगा उसको फिर हम भूनेंगे, और फिर हमने क्या करना है, इसे पानी डाल के हमने इसमें राइस डाल देंगे, तो बिल्कुल जल्दी जल्दी ये बनेगा, ठीक है जी। वरना आपको पता सिलेंडरों में टाइम लग जाता है बनने में, अब क्या कर सकते हैं जी, समझ ही नहीं आ रही सर। और दुआ करें कि घर ऐसा मिल जाए जो गैस का मसला हल हो हमारा, ठीक है जी। अच्छा जी, हमने साथ इसमें योगर्ट डाल के अच्छी तरीके से भून के, और हमने इसमें पानी डाला। अब ये पानी बॉईल हो रहा है, तो हमने क्या करना है, सिर्फ इसके अंदर हमने डालने राइस। योगर्ट को हम वैसे भी डाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन योगर्ट को हमेशा थोड़ा सा फेंट के डालते हैं। अब देखें ना, फेंट के ना डालो तो ऐसे गुठली सी बनी होती है इसकी, जो क्रीम सी होती है, ठीक है। तो इसको हम अच्छा सा फेंट के हमने इसमें डाल दिया, भून लिया हमने कीमे को, और इसमें हमने पानी डाल दिया जितने हमने राइस में पानी में चाहिए, ठीक है जी। अब हम इसमें राइस डालते हैं। अच्छा जी, अब हमने ये कि इसमें जो राइस डाले ना, तो अब ये कि देखें जी, बड़े बड़े से ये बॉयल आएंगे, यानी कि सही बॉयल होंगे ये पानी। तो जैसे ये रिड्यूस होगा तो हम इसको दम पर लगा देंगे। तो देखिए कितनी जल्दी झटपट बनाना होता है सिलेंडर पे, आपको पता बहुत टाइम लग जाता है, पूरा पूरा दिन खाना बनाने में लगाने से बेहतर है अपनी रेसिपीज़ को हमने इतना शॉर्ट कर दिया, आपके लिए बिल्कुल आसान तरीन बना दी, ठीक है जी। पानी खुश होगा तो हम इसको दम पर रखते हैं। अच्छा जी, हमारे ज़बरदस्त कीमा राइस रेडी है जी, ठीक है जी। बल्कि काफ़ी देर खाना हम लोगों ने खा लिया, तो याद आया कि वीडियो बना रहे थे, वीडियो तो डाली ही नहीं है। तो बहुत टेस्टी से बन गए, जल्दी जल्दी में बनाए हमने, तो सिलेंडर पे फिर भी बड़ी बात है, वरना सिलेंडर पे बनते ही नहीं राइस, बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि बड़ी सी देखती है और छोटा सा सिलेंडर है मुन्ना सा हमारा, ठीक है जी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर कर दीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।